हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में अभी तक हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, नाम आपको पता चल गया होगा, वैदिक सभ्यता। अच्छा, आगे चलने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो भी 20-25 क्वेश्चन हमारे साथ आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपने आगे। वैदिक सभ्यता, नाम से पता चल रहा होगा वैदिक मतलब वेद, वेदों से रिलेटेड होगा, तो थोड़ा सा ज्ञान हम वेदों से रिलेटेड भी ले लेते हैं। चिंता मत करो, पूरा वेद नहीं पढ़ने वाले अपने, थोड़ा सा पढ़ेंगे। वेद कितने हैं हमारे? वेद हैं चार। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ये चार वेद हैं, इनका नाम मैंने इनके क्रम में लिखा है, मतलब सबसे पहले ये वेद आया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये वेद आया। ठीक है, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं ओल्डेस्ट मॉड्यूल, और वेदों में ये हो जाएगा सबसे लास्ट, तो ये होगा न्यूएस्ट। ठीक है, सबसे पुराना है हमारे लिए ऋग्वेद। ठीक है, अब अगर इनको क्रम में याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लिख देता हूं मैं यहां पे, इसको हम कहेंगे रसिया। क्या बोल सकते हैं? रसिया, RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जैसे मैंने आपको बताया सबसे पुराना है, इसको जो पढ़ने वाले होते हैं उस ऋषि को कहते हैं होर्त। ठीक है, सामवेद जो पढ़ता है उसको कहते हैं उद्रात। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं अद्रव्यु, और इसके बारे में हमें नहीं पता। एक बार ऋग्वेद को साइड में रख के सामवेद और के बारे में देखते हैं। इसे सामवेद को हम फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यजुर्वेद में जो पूजा पाठ के जो काम होते हैं अपने, उसके बारे में बताया गया है, मंत्र और सब कुछ है, तो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा यजुर्वेद में दिखाया गया है, बताया गया है। और जो अथर्ववेद है, इसके रचयिता है ऋषि अथर्वा, उन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम रखा गया है, ऋषि अथर्वा। और इस वेद में जो है वो है जितने भी जो होता है ना जादू टोना, श्राप, वशीकरण, इन सब के बारे में जो भी जानकारी है वो सारी हमें अथर्ववेद में मिलती है। तो ये आप लिख लीजिएगा, जितने भी जादू टोना से रिलेटेड या वशीकरण से रिलेटेड और श्राप स्वरूप जो भी है वो सारे हमें अथर्ववेद में मिलते हैं। अब बात करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसको एक बार छुड़ा दिया था। ऋग्वेद में टोटल मंडल हैं 10। ठीक है, टोटल 10 मंडल है इसमें। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वा। सब मंडल के बारे में पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये जो 1, 2 से लेकर जो 7 तक के मंडल हैं ये ऋग्वेद में सबसे पहले जोड़े गए थे। ठीक है,
बाकी जो मंडल हैं जैसे पहला मंडल, आठवां मंडल, नवां मंडल और दसवां मंडल, इनको ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया था। अच्छा, एक बात मैं बताने भूल गया था, जो वेद हैं उनके जो संकलन करता है यानी जो कंपाइलर हैं वो हैं हमारे वेद व्यास जी। ऋग्वेद के जो कंपाइलर हैं संकलन करता वो हैं, ऋग्वेद के नहीं सभी वेदों के संकलन करता हमारे हैं वेद व्यास जी। अच्छा, अब ये जो मंडल हैं वो अलग अलग ऋषियों द्वारा संकलित किए गए हैं, बाद में इनको एक साथ में जोड़ के एक वेद में डाल दिया, ऋग्वेद में डाल दिया गया था। तो जो दूसरा मंडल है, पहले इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद करने की, ग्रह विवाह अभाव, ये ट्रिक हो गई हमारे लिए, ग्रह विवाह अभाव, ठीक है, ये एक वर्ड जैसा कुछ बन गया हमारे लिए, ग्रह विवाह अभाव। तो जो पहले हैं, जो दूसरे मंडल के जो रचयिता हैं वो हैं ग्रह संबद्ध, तीसरे मंडल के रचयिता हमारे लिए हैं विश्वा मित्र, चौथे मंडल के हैं वामदेव, वा से वामदेव, पांचवे के हैं अ से अत्रि, छठे मंडल के हैं भारद्वाज, भारद्वाज, और सातवें मंडल के हैं वशिष्ठ। ठीक है, तो इसके हमारे लिए ट्रिक बन गई, ग्रह विवाह अभाव। ठीक है, अब ये जो हमारा तीसरा मंडल है ना, तीसरा मंडल जो विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है, इसमें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी मंडल में हमारे लिए है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो गए हमारे लिए, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान सावित्र को समर्पित है। कौन है ये भगवान सावित्र, ये सूर्यदेव का दूसरा नाम है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। अपने चलते हैं वापस से सातवें पार्ट में, वशिष्ठ। वशिष्ठ ने सातवें मंडल में एक युद्ध का वर्णन किया है जो है दशराज्ञ युद्ध। अब इस युद्ध के बारे में आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। ये जो युद्ध था वो दो पक्षों का, कोई भी युद्ध होगा वो दो पक्षों के बीच में तो लड़ाई जाएगा, ठीक है। तो इसके जो दो पक्ष थे वो थे हमारे, पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, ये है भरत कबीले का राजा है सुदास, और जो दूसरा पक्ष था, जैसे ये वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, दस राज्य मतलब दस राजा, तो ये जो दूसरे पक्ष में थे यहाँ पे दस राजा थे एक साथ में। इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध लड़ने के लिए कोई स्थान भी होगा, तो ये दस राज्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो हमें वेदों में मिलता है परुषणी। तो किस नदी के किनारे लड़ा गया था, जो वेदों में जो उल्लेख है वो है कि ये युद्ध परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, और परुषणी किस नदी का वैदिक नाम है, तो रावी नदी का वैदिक नाम है। अब इस युद्ध में एक जना हारा होगा एक जना जीता होगा, तो इसमें दस राजा होने के बावजूद भी ये दस के दस राजा हार गए और अपने सुदास जी जीत गए। ये भरत कबीले के सरदार हैं, उस टाइम अलग अलग छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, इन्हीं के जो भरत कबीला था उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये सुदास हैं, अपने जो विश्वामित्र जी हैं, वो पहले सुदास के दरबार में राजगुरु के पद पर आसीन थे। बाद में क्या हुआ, इनके बीच में कोई कहासुनी हो गई, तो विश्वामित्र जी ने दरबार छोड़ दिया और नए राजगुरु बने हमारे वशिष्ठ। तो विश्वामित्र जी को सुदास से बदला लेना था, बदला लेना था, तो उन्होंने दस राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध लड़ने की तैयारी की, उनको सुदास के विरुद्ध भड़काया। अब यहाँ पे सुदास के विरुद्ध युद्ध हुआ जिसमें सुदास जीत गया और ये दस राजा हार गए। तो विश्वामित्र जी ने इस युद्ध का उल्लेख नहीं किया, क्यों, क्योंकि हार का उल्लेख कौन करेगा अपने, इसलिए इस युद्ध का उल्लेख किसने किया, वशिष्ठ ने किया अपनी किताब में, अपने मंडल में, सातवें मंडल में दस राज्य युद्ध, जिसमें सुदास और दस राजाओं की लड़ाई की कहानी बताई गई। और कहाँ लड़ा गया था युद्ध, तो परुषणी नदी पर लड़ा गया था।
नवमंडल जो है वो उसे सोम मंडल भी कहा गया है, ये भगवान सोम को समर्पित है, ठीक है। और जो दसवां मंडल है, दसवें मंडल में व्यवस्था है वर्ण की, वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारे दसवें मंडल में मिलती है ऋग्वेद के। और तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था ये थी, एक बार ये मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने, जो उस समय का समाज था उसे चार वर्णों में विभाजित किया गया था। पहले होंगे हमारे लिए ब्राह्मण, दूसरे होंगे हमारे लिए क्षत्रिय, तीसरे होंगे हमारे लिए वैश्य और चौथे होंगे शूद्र, ठीक है। इस समाज को उस समय चार वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद के अनुसार बताई गई है ब्रह्मा के मुख से, जो ब्रह्मदेव हैं उनके मुख से इसकी उत्पत्ति बताई गई है। क्षत्रिय जो हैं उनकी उत्पत्ति बताई गई है भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति बताई गई है जंघाओं से, ब्रह्मा की है ये सब। और जो शूद्र की स्थिति उत्पत्ति है वो बताई गई है ब्रह्मा के पैरों से, ब्रह्मा के पैरों से। चूंकि ये सबसे निचला स्थान है इसलिए इन्हें भी समाज में सबसे निचला दर्जा दिया गया, ये सबसे ऊपर का स्थान है इसलिए इन्हें समाज में सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया। भुजाओं से इसका मतलब समझ रहे होंगे, ये लोग लड़ाइयों के लिए बने होंगे, और वैश्य जंगाओं के लिए, यानी इनका जो काम है वो होगा व्यवसाय, ठीक है। जो व्यवसायी होते थे उनको वैश्य बोला जाता था, ठीक है, समझ आया आपको। वर्ण व्यवस्था ये बताई गई थी ऋग्वेद के अंदर, दसवां मंडल बता दिया। इसके अलावा ऋग्वेद में जो इंद्र हैं, इंद्र के लिए इंद्र का नाम नहीं यूज किया गया, इंद्र के लिए जो नाम यूज किया गया है वो है पुरंदर, पुरंदर। और इसके लिए ऋग्वेद में 250 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। और एक भगवान और हैं जिनके बारे में भी ऋग्वेद में बहुत ज्यादा उल्लेख है, वो है अग्नि देवता। क्योंकि ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे वो यज्ञ और पूजा के माध्यम से भगवान में जुड़ने से ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए अग्नि देवता के लिए यहाँ 200 श्लोक दिए गए हैं ऋग्वेद में। और एक देव है हमारे वरुण, जो वरुण देव हैं उनके लिए ऋग्वेद में 50 श्लोक दिए गए हैं, और साथ में इनका जो नाम है वो ऋग्वेद में बताया गया है ऋत्स्य गोपा, ठीक है। और जो सोना होता है स्वर्ण गोल्ड, उसके लिए ऋग्वेद में जो वर्ड यूज किया गया है सोने के लिए, सोना ये नींद वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है हिरण्य, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अभी तक हमने देखा था कि ऋग्वेद में टोटल मंडल थे 10, 10 में से जो 2 से लेकर 7 तक थे उन्हें सबसे पहले बनाया गया था, उन्हें सबसे पहले रचना की गई थी। और उनके लिए हमने उनके जो रचयिता थे उनकी ट्रिक याद की थी हमने, ग्रह विवाह अभाव, ठीक है। दसवां मंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें वर्ण व्यवस्था दी गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इंद्र के लिए 50, अग्नि के लिए 200 और वरुण के लिए 50 श्लोक दिए गए हैं ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए वेदों के बाद हम पढ़ते हैं, उस वेदों के बाद पढ़ते हैं उपवेदों के बारे में। उपवेदों की संख्या भी 4 है, क्योंकि वेदों की संख्या भी 4 है। हर एक जो वेद उपवेद है वो किसी ना किसी एक वेद से संबंधित होगा, किसी एक वेद का ही उपवेद होगा। तो पहला उपवेद जो हमारे लिए है उसका नाम है आयुर्वेद। दूसरा उपवेद होगा हमारे लिए गंधर्व वेद। गंधर्व वेद तीसरा जो है वो होगा धनुर्वेद, और चौथा उपवेद होगा शिल्प वेद, ठीक है। ये 4 वेद और उनके 4
उपवेद। अब हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा उपवेद किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आयुर्वेद जो है वो संबंधित है ऋग्वेद से, ठीक है। गंधर्व वेद जो है वो हमारे संबंधित है सामवेद से। जो धनुर्वेद है वो उपवेद है यजुर्वेद का, और जो शिल्प वेद है वो यजुर्वेद है अथर्ववेद का। अब इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। हमने अभी याद किया था क्या, रसिया याद किया था, याद होगा आपको। वेदों को याद करने के लिए, वेदों को उनके क्रम से याद करने के लिए हमने याद किया था रसिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। उसी से हम आगे भी एक ट्रिक बनाते हैं कि रसिया, कि भाई रसिया आ गधे से, रसिया आ गधे से, ठीक है। इस ट्रिक से हम इनको याद रख सकते हैं कि रसिया आर मतलब ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंध, ऋग्वेद का उपवेद क्या है आयुर्वेद, ठीक है। एस मतलब सामवेद, सामवेद का उपवेद क्या है गंधर्ववेद, वाई मतलब यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया धनुर्वेद, और ए मतलब अथर्ववेद, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या हो गया शिल्पवेद। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई, रसिया आ गधे से, क्या ट्रिक बन गई, रसिया आ गधे से। इस ट्रिक से हम इनको याद रख सकते हैं। उपवेदों के बाद हम देखते हैं कि जो वेद बनाए गए थे ना, तो उनको समझने के लिए, उनको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए छह वेदांगों की रचना की गई। किनकी रचना की गई, छह वेदांगों की। हम उनके बारे में पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, पर उनके नाम हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि चार ऑप्शन दे देगा जैसे आपको, और ऊपर क्वेश्चन डाल देगा कि इनमें से कौन सा वेदांग है या कौन सा वेदांग नहीं है। तो वेदांग टोटल कितने थे, तो वेदांग थे छह। छहों में नाम क्या थे, तो पहला था शिक्षा, दूसरा था ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, चौथा होगा व्याकरण, नहीं सॉरी पांचवा होगा, और छठा होगा छंद, ठीक है। ये थे हमारे छह वेदांग, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। तो इनको क्या है ना, एक साथ में ऐसे याद कर लो, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। तो इनके नाम याद रखने अपने को, इनसे ज्यादा इनसे कुछ पूछा जाएगा नहीं। या तो पूछेगा कि टोटल वेदांग कितने हैं, तो छह हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है छह है। या फिर पूछा जाएगा कि इन चार ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन सा वेदांग है या फिर कौन सा वेदांग नहीं, इनके बाहर इनसे क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है। अब वेदांगों के बाद, अच्छा एक दिक्कत होती है कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूछेंगे कि इनका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इनका इंग्लिश नाम भी यही होगा, शिक्षा का शिक्षा ही बोलेंगे, ज्योतिष को ज्योतिष ही बोलेंगे, कल्प को कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इनका कोई इंग्लिश नाम नहीं याद करना आपको कि शिक्षा के लिए आप एजुकेशन याद करो, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हमने वेदांग देखे थे, अब देखते हैं पुराण। पुराण, तो पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो पुराणों के रचयिता है ऋषि लोमहर्ष, ऋषि लोमहर्ष, और इनके पुत्र हैं उग्र श्रवा, उग्र श्रवा, ठीक है। इन्होंने पुराणों की रचना की, और पुराणों को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 18, जिसमें सबसे पुराना है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना है। अच्छा पुराणों की रचना क्यों की गई, पुराणों में कुछ नहीं है, पुराणों में वैदिक बातें जो वेद हैं उनसे रिलेटेड ही बातें पुराणों में कही गई हैं, पर पुराणों की रचना करने का मुख्य कारण ये था कि जो महिलाएं हैं और जो शूद्र थे उन्हें वेदों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अब उनको वैदिक ज्ञान कहाँ से मिले, तो उनको वैदिक ज्ञान देने के लिए पुराणों की रचना की गई, ताकि क्योंकि पुराणों को जो पढ़ने की वो जो है इजाज़त, वो कोई भी पढ़ सकता है, पुराण ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पुराणों के लिए कि ये नहीं पढ़ सकता वो नहीं पढ़ सकता, पुराणों को कोई भी
पढ़ सकते हैं। सबसे पुराना मत्स्य पुराण, सबसे पुराना जो पुराण है वो हमारे लिए मत्स्य पुराण है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, अभी जो टीवी पे भी चल रहा है एक विष्णु पुराण, पूरे रात को 7 बजते ही सारे घर वाले बैठ जाते हैं, विष्णु पुराण। इसके अलावा भागवत पुराण, ये सारे पुराण हैं, ठीक है। ऐसे करके टोटल 18 पुराण हैं हमारे। और जो पुराणों की रचना है ना, हाँ ये भी बता देता हूँ मैं आपको, जो पुराणों की रचना है वो मेनली की गई थी गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल, ये अपने आगे पढ़ेंगे, ये गुप्त मतलब छुपा हुआ नहीं है, ये आगे जब पढ़ेंगे अपने चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, तो उनकी जो कास्ट थी, उनका जो वंश था वो गुप्त वंश था, ठीक है। उसकी वजह से इस काल को कहा गया गुप्त काल, ठीक है। तो जो पुराणों की रचना थी वो की गई थी गुप्त काल के दौरान। आगे चलते हैं, पुराणों के बाद हम देखते हैं दर्शन। किसके दर्शन? किसी के दर्शन नहीं, हम पढ़ने वाले हैं दर्शन। दर्शन हो गए हमारे कि जो इंडियन फिलॉसफी है उसको समझने के लिए 6 दर्शन बनाए गए थे, यानी 6 स्कूल बनाए गए थे। तो इसकी हेडिंग आप इंग्लिश में डाल लीजिएगा 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, जिसमें जो पहला है वो है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, दूसरा होगा न्याय दर्शन, तीसरा है योग दर्शन, चौथा दर्शन होगा, अच्छा दर्शन भी 6 ही हैं, 6 नहीं पीछे छोड़ेगा हमारा, ठीक है। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, एक है मीमांसा, और जो लास्ट है वो है वेदांत, वो है वेदांत। अच्छा, इस वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा गया है। ये जो मीमांसा है इसको पूर्व मीमांसा, और ये जो वेदांत है इसे कहा गया है उत्तर मीमांसा। तो इन दोनों के इसका नाम यही है, तो आप कंफ्यूज मत करना कि एग्जाम में कोई उत्तर मीमांसा आ गया। हमारे इंडियन फिलोसफी के 6 दर्शन। अब हम बात करते हैं इनके प्रतिपादकों के बारे में, इनके प्रोपोंडर्स के बारे में बात करते हैं कि इन्हें बनाया किसने था और किसने नहीं, इनके रचयिता कौन है। तो जो सांख्य दर्शन है वो बनाया गया था, वो दिया था कपिल ने, कपिल मुनि ने, ठीक है। जो न्याय दर्शन है वो दिया था गौतम ने। जो योग दर्शन है उसके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, पतंजलि। वैशेषिक दिया था कणाद ने, ऋषि हैं ये सारे के सारे, ऋषि हैं, ठीक है ना। अब मैं इनके आगे लिख नहीं रहा, सीधे इनके नाम लिख रहा हूँ, कणाद ने। मीमांसा दिया था जैमिनी ने। और जो वेदांत या फिर जो उत्तर मीमांसा है उसके हैं वादरायण या बादरायण। तो ये इनके प्रतिपादक थे। तो यहाँ से हमारे पास यही क्वेश्चन आएगा कि भारत में, भारत की फिलॉसफी के टोटल कितने दर्शन हैं, तो हमारे लिए पास 6 दर्शन है। टोटल कितने स्कूल्स हैं, तो 6 स्कूल्स हैं। इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं, या फिर सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या प्रोपाउंडर कौन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है तो हमें पता है, योग दर्शन के पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद है। अच्छा, कणाद के बारे में एक बात और है कि जो कणाद है इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा गया है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो अगर इंडियन केमिस्ट्री के ये हैं तो जो ओवरऑल केमिस्ट्री है उसके फादर कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके हैं हमारे लवाशिए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, लिख ही देता हूं मैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है लवाशिए, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री हैं कणाद। मीमांसा के हैं जैमिनी, और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। आई होप समझ में आया होगा
याद हुआ होगा, आज हमने वेद पुराण वेदांग और दर्शन के बारे में जान लिया है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उतना उतना ही पढ़ा है हमने, ज़्यादा नहीं गए अंदर, ठीक है। कल हम जो आज शुरू करने वाले थे एक्चुअली, वो कल से शुरुआत होगी उसकी अच्छे से, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि वैदिक सभ्यता क्या थी, कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, और इनकी कर प्रणाली, और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज यही ख़त्म करते हैं, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।